ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रियात बहारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एस के वंसल ने कहा कि रियात बहारा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की प्लेसमेंट को लेकर नई ऊंचाइयां हासिल करते हुए नॉर्थ रीजन की अलग अलग यूनिवर्सिटियों के मुकाबले सबसे अधिक प्लेसमेंट रिकॉर्ड कायम किया है, जिसके चलते क्षेत्र में ये यूनिवर्सिटी एक अगुआ शैक्षिक केंद्र बन गई है। मंडी में रियात बहारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एस के बंसल ने कहा कि रियात बहारा यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों की प्लेसमेंट को लेकर नई ऊंचाइयां स्थापित की हैं। उन्होंने बताया कि नॉर्थ जोन में अलग अलग यूनिवर्सिटियों के मुकाबले रियात बहारा की प्लेसमेंट रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में एक अग्रणीय शिक्षा केंद्र के रूप में यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी योग्य विद्यार्थियों को रियायतों और स्कॉलरशिप भी प्रदान करती है। उन विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 100% की छूट दी जाती है जिनके माता पिता दोनों जीवित नहीं हैं। उन विद्यार्थियों के लिए 50% ट्यूशन फीस छूट है जिनके पिता जिंदा नहीं हैं। इसके अलावा माँ बाप की अकेली लड़की के लिए 50% ट्यूशन फीस की छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि रियात बहारा ग्रुप में पढ़ाई करने वाले बहन भाई के लिए 25% की फीस छूट दी जाती है। इस स्कॉलरशिप स्कीम के अधीन 2000 से अधिक विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। वाइस चांसलर एस के बंसल ने बताया कि रियात बहारा ग्रुप ने प्रोफेशनल, टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ इंजीनियर, वकील, दांतों के डॉक्टर, नर्सें, फार्मास्यूटिकल माहिर, आईटी प्रोफेशनल, अध्यापकों, बिजनेस मैनेजरों आदि का एक नया पौध तैयार हो रहा है। बहारा यूनिवर्सिटी वाकनाघाट भी रियात बहारा ग्रुप की सफलता की उड़ान में एक और पंख है। बहारा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मैनेजमेंट, फार्मेसी और कंप्यूटर कोर्स की पेशकश करती है। वाइस चांसलर ने बताया कि इमरजेंसी की स्थिति में परिसर में ही 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहती है। यूनिवर्सिटी में एक सेंट्रल पुस्तकालय और 3 विभागीय पुस्तकालय हैं, जो एक बार में 300 विद्यार्थियों की सामर्थ्य के योग्य हैं। पुस्तकालय जिसमें नवीन किताबें और रिसर्च पेपरों की व्यापक संग्रह है। छुट्टी और रविवार के अलावा रोजमर्रा को ये 12 घंटे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहती है। और इसमें हमारी जो उपलब्धियां हैं कि भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, पीएचडी, बहुत सारे प्रोफेसर्स हमारे पास हैं जो कि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देते हैं। हमारे ग्रुप ने इस साल से एक अच्छी चीज़ जो शुरू की है, क्यू स्पाइडर से एक ट्रेनिंग शुरू की है, जिससे कि भी बच्चों को पहले सेमेस्टर से लेकर आखिरी सेमेस्टर तक हर सेमेस्टर में 25 से 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि बच्चे जब पास आउट हों तो उनको प्लेसमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो सीधे प्लेस हो सकें। कंपनियों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो हम कोर्सेज जो कराते हैं उसमें कोर्स करिकुलम तो होता ही है, उसके अलावा जो कंपनियों को ज़रूरत है कि बच्चे में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी उस ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों को मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा हमारे ग्रुप के जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं वो बड़ी स्पेशल हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको 100% ट्यूशन फ़ी माफ़ है, और जिनके फादर नहीं हैं उनको 50% ट्यूशन फ़ी माफ़ है, जिनके सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनको 50% ट्यूशन फ़ी माफ़ है, जिनके दो बच्चे हमारे कैंपसिस में पढ़ते हैं उन दोनों बच्चों को 25% फीस माफ़ है। इसके अलावा जो बच्चे मेरिट में आते हैं पहली 3 पोजीशनों में, उनको भी 25% फ़ी कंसेशन दिया जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपके एरिया में जो भी बच्चे इस कैटेगरी के हों उनको प्रोत्साहित कीजिए, ताकि वो हमारे कैंपसिस में आके पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इस साल हमारे कैंपसिस में 375 कंपनियाँ आई, जिसमें से कि बच्चों की प्लेसमेंट जो हुई है इंजीनियरिंग की 80% बच्चे प्लेस हो गए हैं, और मैनेजमेंट में 89% बच्चे प्लेस हो गए हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट में 99% बच्चे प्लेस हो गए हैं। इस तरह से बच्चों की प्लेसमेंट हो चुकी है। नॉर्मली जो होता है कि भी बच्चे हमारे 10% के करीब हायर स्टडी के लिए चले जाते हैं, 10% के करीब एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं, बाकी जितने भी बच्चे एलिजिबल होते हैं प्लेस हो जाते हैं। जिन बच्चों की रीपियर भी होती है उनको भी हम क्लियर करवाना चाहते हैं और उनकी भी प्लेसमेंट कराने में उनकी मदद करते हैं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए आश्चर्य के साथ। नमस्कार।